हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इंटरेस्टिंग क्रड ऑपरेशन के रीड ऑपरेशन के बारे में, जहाँ देखेंगे हाउ टू लिस्ट ऑल वर्डप्रेस पोस्ट। बिल्कुल, अपने पिछले दो वीडियोस में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस पोस्ट यूजिंग पोस्ट पैरामीटर्स एंड यूजिंग टेलोपी जेसन REST API। अब यहाँ देखेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जितने भी पोस्ट हमने जो क्रिएट किए हैं या हमारे पास हैं, अगर उनको लिस्ट करना हो तो किस तरह से API कॉल के थ्रू हम लिस्ट कर पाएंगे। Obviously, आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग PHP curl extension and curl functions, so that कि हम इन सारे APIs को ऐड कर पाएं into a PHP based application। But फिलहाल के लिए जो बेसिक आइडिया होना चाहिए अबाउट APIs call और उनके पैरामीटर्स के बारे में, हम उसे देखने वाले हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, हम देखेंगे अबाउट रीड ऑपरेशन ऑफ क्रड ऑपरेशन। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, हम सीखने वाले हैं, समझने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्टिंग ऑल वर्डप्रेस पोस्ट। चलते हैं पोस्ट के अंदर, तो देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे पोस्ट हैं। अपने पिछले दो वीडियोस में हमने क्रिएट किया था फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और हमारे पास एक और डिफॉल्ट पोस्ट अवेलेबल था वाइल आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस, एंड दैट इज हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ इस वीडियो से हम ये समझने वाले हैं कि अगर हमें लिस्ट करना हो अपने इन सारे पोस्ट को यूजिंग API कॉल, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 1000 पोस्ट है, हमें चाहिए पर पेज हमारे पास 20, 30 इस तरीके से पोस्ट आए पर पेज, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास पोस्ट के अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को हम रीड करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट अपने APIs endpoints के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं प्रोजेक्ट URL पे, मीन्स प्रोजेक्ट URL, उसके बाद टाइप करेंगे wp/json, और यहाँ जाने के बाद ओपन करेंगे एक नेम स्पेस, दैट इज wp/v2। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम टाइप करने वाले हैं wp/v2। अब हम देख पाएंगे हमारे पास सारे routes और उनके APIs endpoints अवेलेबल होंगे। अब यहाँ सर्च करने वाले हैं हम wp v2/post। अब यहाँ तो हमने यूज़ किया get request type and post request type। तो पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने यूज़ किया था post request type, क्योंकि हमने क्रिएट किया था post inside WordPress। अब हम क्या करने वाले हैं, सारे पोस्ट को लिस्ट करने वाले हैं, तो यूज़ करेंगे get request type। सो get request type के लिए हम जाएंगे अपने इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इस एंड पॉइंट्स के अंदर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ get request type। अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बेसिक से API URL को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जो होने वाला है हमारा बेस URL, दैट इज प्रोजेक्ट URL। हमारे पास प्रोजेक्ट URL है। अगर बात करें अपने API URL के बारे में, मीन्स कौन से API को यूज करने वाला है टू लिस्ट ऑल पोस्ट, तो हमारे पास होने वाला है कॉल wp v2, मीन्स wp v2 पोस्ट। सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सो API URL equals to wp v2 पोस्ट। साथ ही साथ अगर बात करें मेथड के बारे में, सो हम यूज़ करने वाले हैं get request type। अब यहाँ फ्रेंड्स, हम देखते हैं किस तरीके से हम कॉल करें टू लिस्ट ऑल वर्डप्रेस पोस्ट। तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलते हैं पोस्टमैन में। रिमेंबर लास्ट वीडियोस में हमने क्रिएट किया था एक कलेक्शन, दैट इज wp-json REST APIs। तो यहाँ पर जिस API को हम क्रिएट करेंगे या कॉल करेंगे, हम उसे सेव करेंगे अपने उसी कलेक्शन के अंदर। तो यहाँ हम पेस्ट कर देंगे अपने इस बेस URL को, उसके बाद हम कॉपी करेंगे अपने इस API URL को। हम इसे पुट कर देंगे सेलेक्ट रिक्वेस्ट मैथड टाइप, दैट इज इक्वल्स टू गेट हियर। अगर हम क्लिक करें सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे सक्सेसफुली हमारे पास पोस्ट ऑब्जेक्ट हैं, दैट इज 28। हम इसे क्लोज करेंगे, 26 क्लोज करेंगे। सो इस तरीके से हमारे पास जितने पोस्ट जो हमने क्रिएट किए हैं, नाउ ऑल पोस्ट आर अवेलेबल। हम देख पाएंगे हमारे पास रिस्पॉन्स में एक एरे है, एंड इनसाइड दिस एरे अगर हम काउंट करें ऑब्जेक्ट को, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसका मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स वी हैव इक्वल्स टू 6। सो यहाँ फ्रेंड्स, इस आउटपुट को देखने के बाद हो सकता हो आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि यहाँ तो हमारे पास API का आउटपुट है, बट दिस टाइम वी डिडंट पास एनी टोकन वैल्यू इनसाइड हेडर।
बिल्कुल, इस गेट रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने कोई भी टोकन वैल्यू को पास नहीं किया। इसका मतलब ये जो एपीआई कॉल है, दिस इज ओपन एपीआई कॉल, हम इसे बिना ऑथराइजेशन के कॉल कर सकते हैं। बट रिमेंबर, यहाँ जो पोस्ट हैं ये सारे के सारे पोस्ट इनटू पब्लिक स्टेटस। अगर मान लेते हैं हमारी पोस्ट कुछ प्राइवेट्स में हो, कुछ ड्राफ्ट में हो, कुछ पेंडिंग स्टेट में हो, तो सारे पोस्ट के लिस्ट को गेट करने के लिए देन हमें यूज करना होगा ऑथराइजेशन टोकन वैल्यू। बट फिलहाल इट इज़ ओके। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे, अगर हम किसी वेबसाइट को ओपन करें तो देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आईडी, डेट, डेट जीएमटी एंड सो ऑन। अब मान लेते हैं इन सारे प्रॉपर्टीज़ के अलावा हमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे कि आईडी, डेट या कह लें स्लग टाइटल, तो किस तरीके से गेट कर सकते हैं। बट यहाँ फ्रेंड्स इस इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ अबाउट वर्डप्रेस वर्जन। अगर आपका वर्डप्रेस सेटअप वर्जन जिसके साथ आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हो, अगर उसका वर्जन 4.7 से नीचे है, तो फर्स्ट फ्रेंड्स आपको अपग्रेड करना होगा टू कम्प्लीट दिस कोर्स, क्योंकि यहाँ जो चीज़ों को हम सीखने वाले हैं इट विल वर्क अगर आपका वर्जन 4.7, मिनिमम वर्जन 4.7 और उससे बड़ा हो। क्योंकि जो REST API scan points का जो concept था हमारे older version में, it was old, क्योंकि थोड़ा different था। अब जो new version है हमारे पास, उसका जो concept है वो थोड़ा different है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें discuss किया, कुछ parameters को read करना हो तो हम use करेंगे underscore fills। तो simply हम जाएंगे अपने इस API call में, यहाँ देख पाएंगे हमारे पास एक params का section है। basically अगर हम किसी parameter को यहाँ add करें, it will add query string parameters। तो simply आप यहाँ directly use कर सकते हो, या friends आप use करोगे params वाले tab पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ interface इस तरीके से है। तो यहाँ use करने वाले हैं underscore fills। अब यहाँ underscore fills पास करने के बाद आपको उन कॉलम्स के नेम को यहाँ स्पेसिफाई करना है जिसे आप चाहिए इस रिजल्ट सेट में। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए आईडी, देन चाहिए टाइटल, मींस आईडी कॉमा टाइटल कॉमा लेट्स से स्लग हियर, और चाहिए फॉर एग्जांपल स्टेटस। अब यहाँ इन सारे कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के बाद हम देख सकते हैं, अगर मैं इस URL को कॉपी कर लूँ, पेस्ट करूं, तो जैसे हमने स्पैरम्स को यूज किया, स्पैरम्स वाले टैब को हमने वैल्यूज को स्पेसिफाई किया, ऑटोमेटिकली जैसे वैल्यूज को टाइप किया, इट हैज क्रिएटेड अ यूआरएल दैट इज क्वेरी स्ट्रिंग। हम देख पाएंगे अंडरस्कोर फिल्स एंड ऑल दीज वैल्यूज। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे अपने सेंड बटन पे, तो देख पाएंगे फ्रेंड्स हमारे पास एग्जैक्टली सेम आउटपुट है। अगर हम काउंट करें अपने उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, सो वी हैव टोटल इक्वल्स टू 6 ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करें, देख पाएंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर इन्फॉर्मेशन जितने वैल्यूज थे हमारे पास, उन सभी के अलावा हमारे पास केवल वही वैल्यूज हैं जो हमने स्पेसिफाई किया था, जैसे कि आईडी, स्लग, स्टेटस एंड टाइटल। तो यहाँ फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट को अगर आपने अप्लाई किया हो अपने 4.7 के नीचे वर्डप्रेस वर्जन्स में, तो वहाँ आपको यूज करना है नॉट अंडरस्कोर फिल्स, आपको यूज करना है केवल फिल्स, क्योंकि जो 4.7 वर्जन या जो लोअर वर्जन थे हमारे वर्डप्रेस में, वहाँ फ्रेंड्स ये कोर फीचर नहीं था, वहाँ पर था ये वर्डप्रेस प्लगइन। तो कहने का मतलब है जो सिंटैक्स हमें फॉलो करना है वो होना चाहिए उस प्लगइन के अकॉर्डिंग, और यहाँ यूज करना है फिल्स। बट यहाँ पर आफ्टर 4.7 ये एक कोर फीचर है हमारे वर्डप्रेस का, तो हमें यूज करना है अंडरस्कोर फिल्स। अब यहाँ हमने स्पेसिफाई किया आईडी, टाइटल, स्लग, स्टेटस, क्लिक हियर, तो हम देख पाएंगे ओनली वी हैव ऑल दीज वैल्यूज। अगर आपने गलती से मिस्टेक कर दिया हो अपने लेटेस्ट वर्जन के मींस फिल्स के साथ, अगर आपने अंडरस्कोर पास नहीं किया, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो देख पाएंगे इट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा डेटा है इनसाइड ईच ऑब्जेक्ट, बट हमें जो चाहिए दैट इज आईटी, टाइटल, स्लग एंड स्टेटस। तो हमें क्या करना है, सिंपली हम जाएंगे अंडरस्कोर यूज करेंगे फिल्स हियर एंड वैल्यूज ऑल दीज कॉलम्स। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम सारे ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे, सो यहाँ हम देख सकते हैं वी हैव टोटल इक्वल्स टू 6 ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं, चलते हैं अपने WP admin के अंदर, पोस्ट के अंदर। अब क्या करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल फिफ्थ पोस्ट, क्लिक ऑन क्विक एडिट, यहाँ से इस पोस्ट को करने वाले हैं ड्राफ्ट, क्लिक ऑन अपडेट बटन। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो 6 पोस्ट हैं उसमें से जो ये फिफ्थ पोस्ट है, नाउ वी हैव चेंज स्टेटस फ्रॉम पब्लिश टू ड्राफ्ट। अब क्या करते हैं, चलते हैं API कॉल में, क्लिक ऑन सेंड बटन। अब यहाँ पर देख पाएंगे फोर्थ पोस्ट एंड थर्ड पोस्ट, जस्ट क्लोज ऑल दिस ऑब्जेक्ट। अगर हम काउंट करें, नाउ वी कैन सी वी हैव 5 ऑब्जेक्ट।
नाउ वेयर वी हैव द सिक्स्थ ऑब्जेक्ट, हमारे पास जो फिफ्थ पोस्ट था वो अवेलेबल नहीं है इनसाइड दिस रिजल्ट सेट। अब क्या करते हैं, चलते हैं APS डॉक्यूमेंटेशन में अबाउट LOPV2 पोस्ट अबाउट फॉर दिस गेट एंड पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स अगर थोड़ा स्क्रॉल करें वी कैन सी अ स्टेटस। तो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज पब्लिश्ड, इसका मतलब ये जो API कॉल हमने यूज किया टू लिस्ट ऑल वर्डप्रेस पोस्ट इट विल वर्क ओनली फॉर पब्लिश्ड स्टेटस। तो कहने का मतलब है जो भी हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें जितने ये पोस्ट हैं उनका जो स्टेटस पब्लिश्ड स्टेटस है वो सारे के सारे लिस्ट हो जाएंगे व्हेन वी यूज दिस API कॉल कॉन्सेप्ट। बट अगर मान लेते हैं हमें चाहिए केवल ड्राफ्ट सेक्शन के पोस्ट तो किस तरह से हम कैट कर सकते हैं, तो सिंपली हमें यूज करना होगा स्टेटस एज अ फ्लैग। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग सिंपली हम स्टेटस को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद गो इनसाइड पैरम्स यहाँ पास करेंगे और स्टेटस की जगह पे हम पास करेंगे लेट्स से ड्राफ्ट, जस्ट कॉपी, पुट इट हियर, क्लिक ऑन सेंड। अब हमारे पास एक एरर है क्योंकि ये जो API कॉल होने वाला है आफ्टर पासिंग दिस स्टेटस एंड ड्राफ्ट ये एक ऑथराइजेशन कॉल होना चाहिए, बट यहाँ देख पाएंगे हमारे पास कोई ऑथराइजेशन एरर नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस एरर। तो क्या कर सकते हैं, एक टोकन को जनरेट करेंगे यूजिंग आवर प्लगइन कॉल JWT ऑथेंटिकेशन, उस टोकन को यूज करेंगे इनसाइड दिस ऑथराइजेशन एरर। चलते हैं अपने कलेक्शन के अंदर और यहाँ हमने यूज किया था जनरेट टोकन API, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये API URL है, बॉडी पैरामीटर्स, क्लिक ऑन सेंड बटन, हियर वी हैव द टोकन वैल्यू, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। एक और बात, अगर फ्रेंड्स ये आपका फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको यही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इसके सारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप जो भी कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं या जो सीख रहे हैं वो सारा का सारा क्लियर होता जाए। तो फर्स्ट हम इस टोकन को कॉपी करेंगे, चलते हैं अपने इस API कॉल में और यहाँ जाने के बाद इनसाइड दिस हेडर्स टैब लेट्स पास ऑथराइजेशन टैब और यहाँ पास करेंगे बियरर स्पेस एंड टोकन वैल्यू। अब इस बार ये जो API कॉल है अगर हम एक काम करें, अगर इस URL को हम कॉपी कर लें या पेस्ट कर दें, क्योंकि हमने यूज़ किया दो पैरम्स, हम देख पाएंगे पैरम नंबर 1 एंड पैरम नंबर 2, तो ऑब्वियसली दिस विल ऐड क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स। तो हम देख पाएंगे हमारे इस API URL में अंडरस्कोर फिल्स ampersand and status equals to draft, but remember ये एक open API call था, but यहाँ friends इस API call को execute करने के लिए complete करने के लिए we need to pass authorization token value। अब यहाँ पर token value को pass करने के बाद click on send button तो देख पाएंगे only we have a single post in draft that is of fifth hyphen post। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं केस हमें सारे पोस्ट चाहिए उनका स्टेटस कुछ भी हो, हमें सारे के सारे पोस्ट चाहिए, तो हम यूज करने वाले एनी वैल्यू, जस्ट कॉपी, गो हियर इनसाइड दिस स्टेटस, चेंज करेंगे फ्रॉम ड्राफ्ट टू एनी, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो देख पाएंगे फिफ्थ पोस्ट जिसका जो स्टेटस है इन टू ड्राफ्ट, हियर वी हैव पब्लिश स्टेटस और सारा। सो अगर हम सारे ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दें तो देख पाएंगे Now we have hopefully six offset. So यहाँ friends अब एक new concept को हम include करेंगे and that is known as per page concept. For example, अगर हमारे पास 100 number of post हैं और हमें चाहिए per API call 15 post, तो किस तरह से add कर सकते हैं? तो अगर हम इसी case को consider करें, for example हमारे पास 6 object हैं, अगर per API call per page अगर हमें 2 object चाहिए, तो किस तरह से get करें? तो सिंपली इस वाले के लिए चलते हैं इसके APS डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ जाने के बाद इनके पैरामीटर्स को स्क्रॉल करें। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ देख पाएंगे पर पेज बाय डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 10। तो कहने का मतलब है अगर हमारे पास काफ़ी सारे पोस्ट हैं इस API को कॉल करते हैं तो पर पेज अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट वैल्यू इट विल गिव 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। बट यहाँ अगर हम बात करें 15th नंबर वैल्यू या सेकेंड ऑब्जेक्ट मीन्स 2 ऑब्जेक्ट के बारे में, चूंकि एक कस्टम वैल्यू है डिफरेंट फ्रॉम डिफॉल्ट वैल्यू, तो हमें यूज करना होगा पर पेज। तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं, जाएंगे पैरम्स वाले सेक्शन के अंदर, हम इसे ऐड करेंगे। सो अगर हमने ऐड किया सो ऑटोमेटिकली इट हैज़ एडेड अ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर, सो पर पेज इक्वल्स टू 2। तो 2 कहने का मतलब है अब हमारे पास जो 6 ऑब्जेक्ट था हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि पर पेज हमें चाहिए केवल 2 ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे ओपन करें तो देख पाएंगे 5th पोस्ट, इसे ओपन करें 4th पोस्ट, 3rd पोस्ट एंड सो ऑन। अब क्लिक करते हैं अपने इस पर पेज पैरामीटर के साथ तो हम देख पाएंगे ओनली वी हैव 5th पोस्ट एंड 4th पोस्ट।
अब मान लेते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन है माइंड में कि इसके बाद वाले पोस्ट अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल चलते हैं एडमिन पैनल में, तो जो एपीआई कॉल हमने किया है टू गेट दिस फिफ्थ पोस्ट फोर्थ पोस्ट, अगर हमें गेट करना हो थर्ड एंड सेकेंड तो किस तरीके से गेट करें, तो सिंपली बाकी के जो दूसरे दो रिकॉर्ड्स हैं या कह लें चार रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप रीड करने के लिए, क्योंकि पर पेज हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं तो उनको रीड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पेज प्रॉपर्टी। तो सिंपली देख पाएंगे डिफॉल्ट इक्वल्स टू वन, इसका मतलब जो पहले दो रिकॉर्ड आएंगे दैट इज ऑफ पेज वन। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पुट करेंगे और अगर हम यूज़ करें पेज इक्वल्स टू टू तो इसका मतलब इस पर हम रीड करने वाले हैं दैट इज थर्ड पोस्ट एंड सेकंड पोस्ट। अगर हम यहाँ जाएं क्लिक ऑन सेंड बटन तो देख पाएंगे थर्ड पोस्ट एंड सेकंड पोस्ट। सो यहाँ फ्रेंड्स ये वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ हमने देखा अबाउट लिस्ट वर्ड पेज पोस्ट यूजिंग आवर क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स। सो फ्रेंड्स इस अमेजिंग से वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।